for that too. But things happen, so many things happen with time, so many tragedies I've seen in my life. I lost my mother at the age of 17, she was having cancer. Sorry. So बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं acting से music में कैसे आया. It's a long story. So I'm from middle class family, simple family. Okay. And उनको मैं हमेशा luxurious life देना चाहता था क्योंकि शुरू से I was into western music. मेरे दोस्त हिंदी गाने सुनते थे, बॉलीवुड की म्यूजिक सुनते थे. एंड आई वाज लाइक अरे क्या सुन रहे हो यार, तुम वेस्टर्न सुनो यार, शकीरा सुनो तुम यार, बियॉन्से सुनो, जेजी सुनो. एंड उस टाइम मेरे अंदर एक चीज़ आई फाउंड इन मी के जैसे आपके हिंदी सॉन्ग्स हैं, फॉर एग्जांपल तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, बिकॉज लाइक तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ. So I was I thought ke I think I could play with this because I was so much into music. I used to listen music so much. Music bahut zyada sunta tha, karni acting thi lekin gaane ke bina reh nahi sakta tha. Then I realized later, so this is a song. Ab main is song ki jo raag hai isko main English lyrics mein convert karke gaana chahta tha. Jaise ki English mein maine lyrics likhe for a song. Please girl, don't fight with me. I don't want to be alone. I wanted to sing English songs with the Hindi melodies, with the Bollywood melodies. Like, please girl, don't fight with me. I don't want to be alone. Girl, don't fight with me. I don't want to be alone. So I thought this could make a change in the market, yeah. A new taste. Yeah. I think ye cheez shayad hit kar jaye logo ko. So I thought I'm trying to do that, but something like fusion. So fusion, exactly. So Western Bollywood fusion. And I was in 11th grade. I had science. I wanted to go in merchant navy as well. I wanted to become a captain. Chalo bhai ship chalayenge, easy chalo. I wanted to become that. I had science, non-medical, and I had maths too. Maths se mujhe bahut problem thi, mathematics, and क्या हुआ 11th में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई. फैमिली क्राइसिस, फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस थे. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, शी वाज़ हैविंग कैंसर. सो काफ़ी सारी चीज़ों को दिमाग में रख के मैं पढ़ाई पे बिल्कुल कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं. एंड आई फ्लंक इन 11th में फेल हो गया. दैन 11th मैंने रिपीट करी विद कॉमर्स. एंड 12th में आते आते कॉमर्स के साथ मैथ्स भी मैंने छोड़ दी. सो मेरा बिल्कुल माइंड एकदम चेंज हो गया था हर जगह से. माय मॉम वाज अ सिंगर, माय मदर वाज अ क्लासिकल सिंगर एंड अ क्लासिकल डांसर. वो शी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन म्यूजिक इन द फिल्म इंडस्ट्री, बट बिकॉज ऑफ हर हेल्थ इशूज, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वो इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाई, करना चाहती थी. सो मैं वही चाहता हूँ जिस दिन मैं आईफा अवार्ड भी लूँगा तो उस दिन भगवान अगर करे मेरे को अगर मिलता है आईफा अवार्ड जिस दिन, तो उस दिन मैं वो अवार्ड स्टेज पे छोड़ कर चला जाऊँगा और मैं ये बोलूँगा कि हो सके तो पहला अवार्ड मेरी माँ तक पहुँचा देना, बिकॉज शी डिजर्व्स इट ऑल. एंड म्यूज़िक उनके अंदर से आया मेरे को. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड एक थोड़ी तो बचपने वाली चीज़ हुई थी ड्यूरिंग हर जब उनकी डेथ हुई. सो उसी के अराउंड आई हैड अ गर्लफ्रेंड, आई सी लव हर लॉट, बहुत प्यार करता था उससे. एंड शी लेफ्ट मी द सेम डे व्हेन माय मॉम एक्सपायर्ड. सो आई वाज टोटली डाउन ट्रोडन, आई वाज ब्रोकन टोटली. एंड दिस आई ट्रेजेडीज इन लाइफ में. देन आफ्टर माय मदर पास अवे उसके बाद आई वेंट टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 2. किरण खेर, साजिद खान एंड सोनाली बेंद्रे वगैरह. सो आई वाज सिलेक्टेड इन द फाइनल 48 अमंग 15,000 इंडियन कंटेस्टेंट्स. आई वाज इन द फाइनल 48, आई वाज ऑन टीवी. एंड वहाँ पे भी उन्होंने मुझे ये बोला कि क्या आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि हम उसको पहुँचाए नेक्स्ट राउंड के लिए ले जा सकते हैं या नहीं. सो छोटी छोटी चीज़ें हुई जहाँ जहाँ मुझे डीमोटिवेशन मिली, यहाँ जहाँ मुझे दिखा के यार मैं अनसक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ. आई मीन
आई फेल बारी बारी मेरे दिमाग में बारी बारी एक ही क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई फेल, मुझे लाइक क्यों नहीं करते, मेरी आवाज़ को पसंद क्यों नहीं कर रहे. सो लोगों के डीमोटिवेशन ने मेरे को मोटिवेट किया है एक्चुअली. एंड जहाँ तक फैंस की बात है, अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक के एक गाना नॉर्मली रफ रिकॉर्डिंग कर दी माइक्रोफोन में, फ़ोन के माइक्रोफोन में, और एक पिक्चर डाल के निकाल दिया जी यूट्यूब पे, ठीक है देखते हो रिस्पॉन्स कैसा है. सॉन्ग्स नेम वॉज आई मिस यू, इट वॉज एन इंग्लिश सॉन्ग. सो बस वो सॉन्ग निकालते ही मेरे को तो ऐसा लगा मैं तो स्टार बन गया हूँ. इट्स लाइक 5 years बैक. सो उस टाइम क्या होता था, मुझे लगता था यार कोई तो फोटो खिंचवा ले यार, कोई तो आ रहा है. अभी मैं ढूंढता था यार कोई तो फोटो खिंचवा ले मेरे साथ. एंड आज थोड़ा अलग ही हो रहा है, बट आई वॉन्ट मोर. अ ह्यूमन इज नेवर सैटिस्फाइड, आई वॉन्ट मोर, चाहिए और चाहिए यार, और दो और दो. सो और आज मैं भागता हूँ कि कोई पहचान ना ले यार. आज ऐसा होता है सीन, एवरीथिंग इज upside down now. It's all because of the hard work. It's all because of it. I never left doing hard work. My family never supported me because they were having financial issues. Take care. So they never supported me in music. I used to collect my tuition fees. जो school में था tuition fees थी उसको collect करके studio में जाके recording करता था. I used to collect that money और घर पे झूठ बोलता था कि मैं ट्यूशन की फ़ीस दे रहा हूँ, और उसी ट्यूशन की फ़ीस से मैं स्टूडियो में जाता था और अपना गाना रिकॉर्ड करता था. सो आई हैव सीन ऑल दोज डेज. एंड सो आफ्टर 12th आई नेवर डिड कॉलेज बिकॉज आई नेवर वांटेड टू. मेरे डैड हमेशा बोलते रहते थे कि यार यू शुड डू कॉलेज, आई मीन यू शुड लिव लाइफ, देखो यार हैव फन,